तो फरीदाबाद की बात करें, यहां पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज बनाया गया और योग दिवस पर बिप्लव देव एक्सक्लूसिव खबरें अभी तक पर बोले, जहां पर उन्होंने कहा कि हमें रोज योग करना चाहिए। सुनिए। बीजेपी प्रभारी बिप्लव देव हमारे साथ मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सर फरीदाबाद पहुंचे हैं। सर, पूरे विश्व में योग मनाया जा रहा है, सर क्या महत्व है, किस तरीके से योग हमारे जीवन प्रतिक्रिया के लिए बहुत जरूरी है? सर देखिए, योगा हमारे भारत के परंपरा है, हमारे मुनि ऋषि ने इसको अपनाया है और योगा अपने को निरोगी काया रखने के लिए सबसे बड़े माध्यम है और ये आज पूरे विश्व भर में योग को मनाया जाता है, योगा किया जाता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद दूंगा जो आपने 2014 में इसको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के नाते मनाने के लिए जो आपने कदम उठाया और आज पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है आज के दिन में, और साथ ही साथ हमारे जीवन शैली को सुंदर और सुशील और समृद्धिशाली, सशक्त और निरोगी क्या बनाने के लिए योगा बहुत बड़े माध्यम है। मैं आपके माध्यम से सभी हरियाणावासी को विशेष करके योगा में सब ध्यान दे और अपने जीवन को सुंदर करे और निरोगी काया रहे, वही कामना करता हूँ। सर, पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर है, वो भी वहाँ पर योग करेंगे, सर किस तरीके से देखते हैं सर, जिस तरीके से विदेश दौरे पर गए हैं पीएम मोदी? वो स्वाभाविक तौर पे यूएन में योगा का जो आज कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे मुख्य अतिथि के रूप से, ये हमारे लिए गर्व का दिन है, गर्व का विषय है और पूरे दुनिया आज इसको देखेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर भारत का तो स्वभाव है सबको लेके चलना, अतिथि देवो भवो, और उसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो कदम उठाया, मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ शुभकामना भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबरें तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी प्रभारी बिप्लव देव जो कि फरीदाबाद पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। खास बातचीत करते हुए उन्होंने खबरें तक से कहा कि हमारे जीवन दिनचर्या में योग बहुत जरूरी है और पीएम मोदी का उन्होंने धन्यवाद किया है कि 2014 में उन्होंने योग की शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अलग पहचान योग की देखने को मिल रही है। राजा पटेल, खबरें अभी तक फरीदाबाद।